अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशरफ खान है और मैं बात कर रहा हूँ आपके गांव, आपके शहर कोपा छपरा बिहार से, इनलेट ट्रेड सेंटर से, जो कि इनलेट जॉब जो दिल्ली में है और इनलेट ट्रेड सेंटर कोपा छपरा बिहार में। मैं आपके लिए अभी बिहार में जो इंटरव्यू चलने वाला है, क्लाइंट इंटरव्यू, उसके बारे में बात करूंगा। दो इंटरव्यू है, दो कंपनी है, दुबई का ही दोनों कंपनी है, और दोनों कंपनी इम्प्लॉयमेंट वीजा देगा, 2 साल का वर्क वीजा देगा आपको नॉर्मल मेडिकल पे। फ्रेश रिटर्न सब अप्लाई कर सकते हैं इसमें, जिसका उम्र 19 साल से 40 साल, 42 साल, 45 साल तक हो, 45 साल तक उम्र चलेगा, 19 साल से लेकर 45। दो कंपनी है, दोनों दुबई का है, वर्क वीजा है, 2 साल का वर्क वीजा। पहला कंपनी 18 मई को चलने वाला है, शनिवार को, शनिवार 18 मई को कोपा छपरा बिहार में इंटरव्यू है इवान कंस्ट्रक्शन कंपनी का, और दूसरा इंटरव्यू है 21 मई को यूरो गल्फ कंपनी दुबई का। दो कंपनी है, पहला कंपनी मैं आपको बता दूं, ये पेपर आप देख सकते हो, ये पेपर है इवान कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी दुबई, 18 मई को शनिवार को सुबह 10 बजे से इंटरव्यू चालू हो जाएगा। तो हर गांव कोपा सारण बिहार में नॉर्मल मेडिकल है, इम्प्लॉयमेंट वीजा है। शटरिंग कारपेंटर 100 बंदे चाहिए हमें, 1000 सैलरी है, 200 खाना है, प्लस ओवरटाइम। ओवरटाइम करके आपका इसमें सैलरी आराम से 1500 तक बन जाएगा। स्टील फिक्सर में 100 बंदे चाहिए, 1500 तक ओवरटाइम करके बन सकता है सैलरी, 8 घंटे का 1000 प्लस 200 है। मेसन जो चाहिए, ब्लॉक और प्लास्टर मेसन 100 बंदे चाहिए, वो भी सैलरी सेम है, 1000 सैलरी है, 200 खाना है, ओवरटाइम करोगे 1500 सैलरी महीने का आएगा, तकरीबन महीने का 30-32 हजार रूपये आप उठा सकते हो ओवरटाइम करके। साथ में हमें हेल्पर भी चाहिए, जो साथ में मेसन शटरिंग और स्टील फिक्सर और मेसन के साथ काम करेंगे हेल्पर, उसका 100 बंदे चाहिए, 800 सैलरी है, 200 खाना है, मतलब कि 1000 मिलेगा आपको 8 घंटे का, 22 हजार रूपया महीना 8 घंटे का। ओवरटाइम करोगे आराम से इसमें 25-26 हजार रूपये आप महीना उठा सकते हो ओवरटाइम करके हेल्पर का। तो इसमें कम से कम 400 बंदे का जरूरत है, मेसन हो गया, ब्लॉक प्लास्टर, शटरिंग कारपेंटर हो गया, स्टील फिक्सर हो गया, और कंस्ट्रक्शन हेल्पर हो गया। उम्र जो होगा 19 साल से 45 साल तक उम्र चलेगा, 8 घंटे का ड्यूटी है, पासपोर्ट, ईसीआर, ईसीआर सब चलेगा। कंपनी 200 खाने का दे रहा है, रहना दे रहा है, और ट्रांसपोर्ट दे रहा है, और मेडिकल दे रहा है। इम्प्लॉयमेंट वीजा 2 साल का रहेगा। ये कंपनी मैंने आपको बता दिया जो 18 मई को शनिवार को कोपा छपरा में इंटरव्यू है। उसके बाद मैं दूसरी कंपनी बताता हूं आपको, दूसरा कंपनी है 21 मई को, मंगलवार को, 21 मई को मंगलवार को चलने वाला है यूरो गल्फ कंपनी का, नाम है यूरो गल्फ कंपनी, बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें बहुत लड़के हम लोग भेज चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट वीजा रहेगा 2 साल का वर्क वीजा, नॉर्मल मेडिकल पे 2 साल का वर्क वीजा रहेगा। इलेक्ट्रीशियन चाहिए हमें, इलेक्ट्रीशियन इंडियन एक्सपीरियंस हो, इलेक्ट्रीशियन गल्फ एक्सपीरियंस हो, और या इलेक्ट्रीशियन हेल्पर हो, तीनों चलेगा, लेकिन हेल्पर को भी कम से कम 30% काम मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन का। हेल्पर का सैलरी है 900 प्लस खाना, खाना रहना ट्रांसपोर्ट मेडिकल सब कुछ फ्री है, खाना बना बनाया मिलेगा आपको, बनाने का जरूरत नहीं है, 900 सैलरी मिलेगा और खाना बना बनाया मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन जो इंडियन एक्सपीरियंस होंगे, जिसको काम 50% 60% पता है, उसका सैलरी 1100 रहेगा और खाना रहना सब कुछ फ्री है। ये सैलरी मैं 8 घंटे का बता रहा हूँ, ओवर टाइम करोगे तो 200-300 दरहम अलग से बनेगा आपका, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन गल्फ रिटर्न जो होंगे, उसका सैलरी है 1300 प्लस खाना, ओवर टाइम करके 1500-1600 बना सकते हो, और खाना रहना सब कुछ अलग से फ्री मिलेगा आपको, कंपनी देगा। 2 साल का इम्प्लॉयमेंट वीजा है, यूरो गल्फ कंपनी है, 21 मई को मंगलवार को दिल्ली, ये कोपा छपरा में इंटरव्यू है, और यही अगर इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू अगर आपको दिल्ली में देना है तो आप 20 मई को भी आ सकते हैं, सोमवार को दिल्ली में इंटरव्यू है, और 21 मई को बिहार में। तो मैं बिहार का भी बता रहा हूं, मैं 18 को आपको सिविल कैटेगरी है, मेसन शटरिंग और स्टील फिक्सर और हेल्पर, और 21 मई को मंगलवार को ये दुबई का इलेक्ट्रीशियन का इंटरव्यू है। ये दो इंटरव्यू मैंने आपको बता दिया, रेडी काम है, जिसको भी आना है कोपा छपरा स्टेशन रोड पे कमालू खान के मार्केट में, बीएसएनएल टावर के सामने इनलेट ट्रेड सेंटर है, वहां आपको आकर इंटरव्यू देना है। जो भी एजेंट है, जिनके पास कैंडिडेट है, वो भी आकर मुलाकात कर सकते हैं, मिल सकते हैं ऑफिस पे, और अपना आगे बातचीत कर लीजिएगा। परवेज भाई मिलेंगे, बच्चन भाई मिलेंगे वहां पे, कोपा छपरा बिहार में।
इनलेट ट्रेड सेंटर में, जो कैंडिडेट है जिनको डायरेक्ट इंटरव्यू देना वो भी आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए। क्लाइंट आपका इंटरव्यू लेने के लिए खुद दुबई से आएगा, कंपनी का इंजीनियर होगा वो आपका इंटरव्यू करने आएगा गोपा छपरा बिहार में, ठीक है। तो आप लोग के लिए आसानी है कि आप लोग दिल्ली मुंबई ना जाकर अपना गांव में नजदीक में जो भी आप हैं, छपरा के एकमा है, तरैया है, आपका बलिया है, सिवान है, मसरख है, बोकारो है, गया है, पटना है, जहानाबाद है, मसौड़ी है, छपरा है, हाजीपुर है, सोनपुर है, जो भी आप नजदीक में है, जो आपको लगता है कि हाँ हम सुबह निकलेंगे और 2-4 घंटे में पहुंच सकते हैं तो आप पहुंच जाइए। इंटरव्यू पूरा दिन चलने वाला है, ऐसा नहीं कि आप सुबह 10 बजे नहीं पहुंच पा रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा। आप अगर आना चाहते हो तो आप 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे तक आ सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू सुबह से चालू हो जाएगा। जो लड़के आते रहेंगे इंटरव्यू होता रहेगा, ऐसे इंटरव्यू चलता रहेगा, क्लाइंट शाम में ही उठेगा, ठीक है। तो क्लाइंट पहुंच जाएगा 10 बजे, आप 10 बजे आ जाओ, 11 बजे आ जाओ, 12 बजे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। पासपोर्ट और फोटो बस लेकर आपको आना है अपने साथ और इंटरव्यू दीजिए। एजेंट जो भी है कांटेक्ट कर ले ऑफिस वाले से, इनलेट ट्रेड सेंटर पे कोपा छपरा में, स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप एजेंट है वो तो कांटेक्ट कर लो, आप कैंडिडेट हो तो कांटेक्ट कर लो, दोनों के लिए वेलकम है। ये आपका इंटरव्यू आपके गांव आपके शहर में हो रहा है, वो भी वर्क वीजा है 2 साल का इम्प्लॉयमेंट वीजा पे, तो आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई टूरिस्ट का चक्कर नहीं है, डायरेक्ट इम्प्लॉयमेंट वीजा यहीं से लगेगा 2 साल का और आप विदेश जाइए 2 साल के लिए कमाने के लिए। ओके दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार।